क्रिकेट और राजनीति का एक अलग ही रिश्ता है। अक्सर हमने देखा है कि क्रिकेटर्स क्रिकेट के मैदान पर धूम मचाने के बाद राजनीति की पिच पर भी चौके छक्के लगाते हुए हमें दिख जाते हैं। आईपीएल 2023 की बात करें तो आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनकर उभरी। अब चेन्नई सुपर किंग्स का एक स्टार खिलाड़ी यानी चैंपियन टीम का एक चैंपियन खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान के बाद राजनीति के पिच पर चौके छक्के लगाने को तैयार है। कौन है वो खिलाड़ी जो क्रिकेट के मैदान के बाद राजनीति के पिच पर कदम रखेगा, पूरी खबर आपको बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू राजनीति के मैदान पर कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रायडू YSRCP में शामिल होने के लिए तैयार है और आंध्र प्रदेश में गुंटूर या कृष्णा जिलों से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तेज तर्रार दाएं हाथ के बल्लेबाज को आखिरी बार आईपीएल 2023 में एक्शन में देखा गया था। एक आईपीएल से वो संन्यास ले चुके हैं। उन्होंने हाल ही में मेजर लीग क्रिकेट 2023 में टेक्सस सुपर किंग्स के लिए खेलने के लिए साइन अप किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुंटूर के रहने वाले रायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और YSRCP पार्टी के अध्यक्ष YS जगनमोहन रेड्डी से पिछले हफ्ते दो बार मुलाकात की थी। हालांकि ये तय नहीं है कि रायडू को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा या नहीं। पूर्व भारत और CSK बल्लेबाज ने आंध्र प्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी की प्रशंसा की और कहा, CM जगनमोहन रेड्डी राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। वो एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय सभी क्षेत्रों में विकास की अगुवाई कर रहे हैं। क्या उन्हें विधानसभा चुनाव में शामिल होना चाहिए? आपको बता दें, आईपीएल से संन्यास लेने के बाद रायडू अब राजनीति में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रायडू के सूत्रों के अनुसार यह खिलाड़ी अब अगले साल आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। संन्यास लेने के बाद रायडू आंध्र प्रदेश की मौजूदा सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।